आवास भत्ता दिए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर नगर निगम के कर्मचारियों में आक्रोश है और कर्मचारी शासन और निगम प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किए जाने की तैयारी करने का मन बना रहे हैं। कर्मचारी नेता सत्येंद्र कुमार का कहना था कि पिछले काफी समय से निकाय के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रयासरत हैं, लेकिन शासन और निगम प्रशासन का रवैया ढुलमुल ही रहा है, क्योंकि कर्मचारियों का वर्ष 2016 का आवास भत्ता नहीं मिला, जबकि इसका शासनादेश लागू हो चुका है। वहीं प्रमोशन का मामला भी सालों से अटका पड़ा है। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया गया है, लेकिन निकाय कर्मचारियों को आयुष्मान का लाभ नहीं मिला, जबकि निकाय कर्मचारी क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी करने के साथ ही शहर भर में सफाई और सैनिटाइज करने का काम करते हैं, लेकिन शासन की ओर से निकाय कर्मचारियों को कोई सुविधा नहीं दी जा। निकाय कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति शासन का चाहे नगर निगम प्रशासन का रवैया ढुलमुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक जो है कि कर्मचारियों को जो 2016 का जो हाउस रेंट देना था उसके जियो लागू हो गए थे, मगर नगर निकाय कर्मचारियों को जो है कि अभी तक हाउस रेंट नहीं दिया गया। प्रमोशन का मुद्दा जो है कि नगर निकाय कर्मचारियों को कम से कम 200-2500 साल हो गया, अभी कोई प्रमोशन नहीं दिया गया है। आज की तारीख में जो है कि राज्य कर्मचारियों को जो है कि आयुष्मान कार्ड दे दिया गया है, निकाय के कर्मचारियों को अभी तक उनका नहीं दिया गया आयुष्मान कार्ड, जबकि शहर के अंतर्गत जो है क्वारंटीन सेंटर पर निकाय का कर्मचारी काम कर रहा है, सैनिटाइज का काम निकाय का कर्मचारी कर रहा है, सफाई का काम निकाय का कर्मचारी कर रहा है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए अभी तक हमारे निकाय कर्मचारियों को शासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। हर मुसीबत झेल करके काम करने के लिए हमारा निकाय का कर्मचारी तैयार है, लेकिन सुविधा के मामले में शासन जो इनको बिल्कुल फिसड्डी कर रखा है। ये सारी बातें जो है कि अभी कर्मचारी सारे विरोध कर रहे हैं, कई दिनों से यही बात चल रही है कि कर्मचारी जो है कि अल्प वेतन के कर्मचारी हैं, निकाय के कर्मचारी बहुत कम वेतन मिलता है। यहाँ तक कि जो ठेके पर काम कर रहे हैं, दैनिक संविदा के काम कर रहे हैं, उनके भी एक दिन के वेतन काटे जा रहे हैं। सरकार के आदेश पर तो एक दिन में आदेश हो गया और कि कर्मचारियों का वेतन काट लिया जाए, और इनमें आक्रोश है कि हम तो कम वेतन के लोग हैं और हम निकाय के कर्मचारी जो है कि क्वारंटीन सेंटर से लेकर के अन्य सफाई से लेकर सैनिटाइज स्तर पर काम कर रहे हैं, फिर भी हम लोगों का वेतन क्यों काटा जा रहा है। इसका जो है कि हम लोगों ने दिया है, नगर आयुक्त महोदय को लिख करके दिया गया है, सफाई कर्मचारी संघ की तरफ से दिया गया है। मैं तो यही चाहूँगा शासन प्रशासन से कि इनको जो सुविधा देने वाली है इन पर भी ध्यान दिया जाए। इनके प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, हाउस रेंट नहीं दिए जा रहे हैं, चार चार साल की जो चीज़ बाकी है उसको दे दिया जाए। आगे क्या प्लानिंग है? हमारा ये प्लानिंग है कि अगर इस प्रकार से रवैया रहेगी तो कर्मचारियों में इस समय जो है कि घोर निराशा है, आगे मनोबल उनका गिरता जा रहा है, आगे जा कर के काम करने में भी हमें दिक्कत होगी और आगे जा कर के प्रदर्शन करने के लिए हमें मजबूर होना है।